हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि gearbest.com से आप कैसे कोई सामान इंपोर्ट करवा सकते हैं। मैं यहाँ पे gearbest के ऐप को यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि gearbest अपने ऐप में थोड़े डिस्काउंट देता है, कुछ एक्स्ट्रा कूपन्स देता है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे आप कोई सामान इंपोर्ट करा सकते हैं gearbest के थ्रू। सबसे पहले आपको gearbest के ऐप में जाना है और यहाँ मैं एक ID बनाऊँगा और रजिस्ट्रेशन करूँगा इस पर, जिससे मुझे कुछ डिस्काउंट कूपन्स मिले। रजिस्ट्रेशन बहुत सिंपल प्रोसीजर है, आपको बस आपकी जीमेल आईडी और पासवर्ड डालना है। जैसे ही आप ऐसा कर लेंगे तो आपके मेल पे जो आपने आईडी डाली है उस पर एक कंफर्मेशन मेल आएगा। अगर उस लिंक पे आप क्लिक कर देते हैं तो आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। जैसा ही ऐसा कर लेंगे आप, तो आप वापस अपने ऐप में जाइए, आपकी आईडी लॉगिन हो चुकी होगी। यहाँ पे gearbest और बैंगवुड ये दोनों ही डेली साइनिंग के कुछ कॉइन्स देते हैं जो आप कन्वर्ट करा सकते हैं करेंसी में। फिलहाल मैं यहां से एक ड्रोन मंगा रहा हूं और आप देख सकते हैं ये ड्रोन पहले से मैंने कार्ट में ऐड करके रखा हुआ है। इसमें मैं शिपिंग इंश्योरेंस ले रहा हूं। शिपिंग इंश्योरेंस पहले से मैंने पहले भी आपको बताया है, शिपिंग इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट डैमेज मिले तो आप उस पे वारंटी क्लेम करके पैसे को वापस रिफंड करवा सकते हैं। जैसे ही आप शिपिंग इंश्योरेंस ले लेंगे, फिर बात आती है शिपिंग मेथड की। तो शिपिंग मेथड में इसमें बहुत सारी कुरियर सर्विसेज हैं, आप जैसे चाहे यूज़ कर सकते हैं, पर मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप रजिस्टर्ड मेल्स को यूज़ करें। अनरजिस्टर्ड मेल मतलब ये रहता है कि आपको सामान तो मिलेगा पर कब मिलेगा कोई गारंटी नहीं, कोई ट्रैकिंग नंबर नहीं है, सामान अगर खो गया तो कंपनी की कोई गारंटी नहीं है। और इसीलिए आप रजिस्टर्ड ईयर मेल यूज़ करें, जिससे आपको एक ट्रैकिंग नंबर दिया जाएगा, जिस ट्रैकिंग नंबर से आप अपने प्रोडक्ट को ट्रैक कर सकते हैं कि उसकी करंट पोजीशन कहाँ पे है। मैं यहाँ पे नीदरलैंड रजिस्टर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि रजिस्टर्ड ईयर मेल में सबसे सस्ता यही है। आप चाहें तो किसी भी ईयर मेल को यूज़ कर सकते हैं। फेडेक्स वगैरह मैं अभी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा अगर आपका सामान 5,000 से सस्ता है तो, क्योंकि 5,000 से सस्ता प्रोडक्ट है और आप उस पर DHL या FedEx को जैसी कुरियर सर्विस को यूज़ करते हैं तो भले ही आपका सामान 500 रुपये का भी हो, उस पर कस्टम लग जाएगा क्योंकि कस्टम वालों को लगता है कि इसमें इतनी महंगी कुरियर सर्विस का अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपने कुछ महंगा ही मंगाया होगा। वो जनरली स्लिप वगैरह नहीं देखते हैं, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको कस्टम बचाना है तो आप सस्ते वाले कुरियर सर्विस को यूज़ करें। पर हाँ, अगर महंगा प्रोडक्ट है तो डेफिनेटली सी बात है कि आप DHL वगैरह पे ही जाएं क्योंकि उनकी सर्विस बहुत अच्छी रहती है और वो बहुत केयर से आपका सामान पहुंचाएंगे। जैसे ही ये सब हो जाए तो आप प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे एक ड्रॉपशिप का भी ऑप्शन दे रहा है। ड्रॉपशिप मतलब ये होता है कि आप डायरेक्टली यहाँ से किसी और के एड्रेस पे पहुँचवाना चाहते हैं तो ये सर्विस आपकी ये भी कर देगी। तो gearbest वाले आपके लिए ये भी कर सकते हैं। ड्रॉप शिपिंग का अच्छा खासा बिजनेस भी है। फिर यहाँ पे बात आती है कि आप कहाँ किसके थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू या फिर पेपाल से। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको पेपाल से पेमेंट करके दिखाई थी, इस बार मैं आपको डेबिट कार्ड से पेमेंट करके दिखाऊंगा। और डेबिट कार्ड से पेमेंट करने का एक फ़ायदा ये रहता है कि पेपाल से थोड़ा सा आपको सस्ता पड़ जाता है। जो पेपाल एक ट्रांजेक्शन फ़ी रखता है 100-150 रुपये की, वो इसमें आपकी बच जाती है। यहाँ पर आपसे थोड़ी डिटेल्स मांगेगा कि कार्ड होल्डर नेम और कार्ड नंबर वगैरह, सारी डिटेल्स को फिल करने के बाद आप जैसे ही पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो पेमेंट डन का ऑप्शन, पेमेंट डन का एक पॉपअप आएगा। ऑर्डर इन्फॉर्मेशन में जाके आप देखेंगे तो आपकी पेमेंट जो है कंफर्म बताएगी। इसके बाद आपका जो भी प्रोडक्ट है वो 1-1.5 महीने के अंदर आ जाएगा। पेमेंट मेथड आप चाहे डेबिट कार्ड यूज़ करें या क्रेडिट कार्ड, ये हमेशा क्रेडिट कार्ड ही दिखाएगा, तो उसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। सो होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो पसंद ना आया हो तो वीडियो को डिसलाइक करिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम जरूर बताइएगा कि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो अगर तो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।